हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रोशन टेक्निकल क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्टर कनेक्शन। बहुत से स्टूडेंट्स का ये डिमांड था, पहले भी डिमांड किया गया था और अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि सर हम लोगों ने बोर्ड का वायरिंग कनेक्शन सीख लिया है, लेकिन इन्वर्टर से कनेक्शन कैसे होता है, इन्वर्टर का क्या, उसमें क्या चीज है जो कि ऐसा क्या है उसमें जो कि ऑटोमेटिक हो रहा है उसमें, या कैसे उसका बाईपास करेंगे कि मान लीजिए अभी हमको मैन्युअली अभी हमको लाइन से चलाना हो, या नहीं अभी हमको मन कर रहा है इन्वर्टर से, या इन्वर्टर खराब हो गया तो लाइन का कैसे स्विच दे दें, इस टाइप का कुछ बात है तो वो कैसे करेंगे, या एक तार निकलता है उससे या दो तार, फेज आता है, न्यूट्रल आता है, एसी आता है, डीसी आता है, क्या है, ये सब चीज हम लोग आज के क्लास में जानेंगे। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। सारे स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि प्लीज लाइक जरूर करें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें इसे, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि और भी वीडियो आपको मिल सके। साथ ही साथ शेयर जरूर करें, शेयर कीजिएगा तो और भी स्टूडेंट जो है इसे देख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जान लें इन्वर्टर है क्या। इन्वर्टर क्या है, एक ऐसा मशीन है जो कर क्या रहा है यहाँ पे, जो मेरा डीसी को एसी में बदल रहा है। जनरली दिमाग में आता है इन्वर्टर डीसी देता है, नहीं नहीं नहीं, इन्वर्टर से हमें प्राप्त क्या हो रहा है, एसी प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले लाइन आता है, लाइन आता है इन्वर्टर में जा रहा है, उसमें चार्जर का एक सिस्टम बना हुआ है, उसके थ्रू वो जा रहा है बैटरी में, बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी चार्ज हो गया, फिर लाइट कट गया तो वो बैटरी जो चार्ज हुआ है उसका सप्लाई कहां आ गया, इन्वर्टर में। इन्वर्टर क्या किया, फिर उसको डीसी, बैटरी से तो डीसी आया, उस डीसी को इन्वर्टर क्या किया, एसी में बदल दिया, और वही एसी हम लोग आउटपुट लेते हैं। सिंपल से समझने का बात यह है कि सीलिंग फैन जो चल रहा है वो एसी से है, 100 वाट का बल्ब है वो एसी से है, तो डीसी से कनेक्शन देते तो क्या वो चलता नहीं ना, इसलिए। तो ये कनेक्शन कैसे करेंगे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इन्वर्टर तो इन्वर्टर का अंदर का तो कनेक्शन का नहीं बात करें, हम बाहर का बात करें। अगर इन्वर्टर का देखें तो इन्वर्टर का एक आगे जो रहता है पोर्शन, आगे के पोर्शन में आपको दिखेगा कि वो हर्ट्ज दिखाएगा, साइकिल दिखाएगा, एक ब्लिंक दिखाएगा, यूपीएस ऑन ऑफ ये सब दिखाता है, एक पुश बटन रहता है ऑन ऑफ करने के लिए रहता है, ये सब चीज रहता है आगे। उसके जस्ट पीछे क्या रहता है, अगर हम उसके जस्ट पीछे का बात करें तो उसके पीछे क्या रहता है, उसके पीछे आप देखेंगे, उसके पीछे का अगर बात करें तो उसके पीछे आपको एक सॉकेट दिखेगा, उसके पीछे आपको एक सॉकेट दिखेगा, उसके पीछे एक सॉकेट दिखा, फ्यूज वगैरह रहता है, और यहां से एक वायर निकला हुआ रहता है, और भी कुछ हो तो ठीक है, फैन रहता है यहाँ पे, इस तरह से फैन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सॉकेट और एक ये वायर से भी हमको मतलब है। ये क्या है, यहां से आपको देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे एक बोर्ड में लगा हुआ रहता है ना, एक बोर्ड में सप्लाई रहता है इसका, इस बोर्ड में सप्लाई, यहाँ पे क्या है, इस बोर्ड में सप्लाई दे दिया, यहाँ पे एक प्लग लगा हुआ है, इन्वर्टर से जो निकला हुआ एक प्लग वो सीधा एक मेरा बोर्ड में लगा हुआ है, जहां की मेरा मेन लाइन घर का आ रहा है, क्लियर है। वहां पे उस बोर्ड में एसी जो है हम जो पोल के थ्रू ला रहे हैं वहां से आ रहा होगा, और उसमें हम यहाँ से इन्वर्टर से एक प्लग जो है कहाँ जोड़ दिए है, उस बोर्ड में जोड़ दिए, ये हो गया। और यहां से फिर क्या हो रहा होगा, यहां से गया होगा एक बैटरी में, है ना, बैटरी से तार गया होगा यहां से, इस तरह से यहां पे चार्ज हो रहा होगा, मान लीजिए बैटरी में, इस तरह का कुछ बात रहता। अब बच गया क्या, ये सॉकेट, सॉकेट के पास लिखा रहता है एसी आउटपुट वोल्टेज, देखिएगा एसी आउटपुट वोल्टेज लिखा हुआ रहता है ना, एसी आउटपुट वोल्टेज लिखा हुआ। अब यहां पर एसी आउटपुट वोल्टेज यानी कि हमको जो आउटपुट लेना है यहीं से लेना है, और कहीं से आउटपुट हम लोग नहीं लेंगे, इसी सॉकेट से लेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एसी आउटपुट ले रहे हैं तो हमको पता है एसी में फेज भी होता है, न्यूट्रल भी होता है, गर्म तार और ठंडा तार, लेकिन 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 इन्वर्टर से हमेशा सिंगल वायर आउटपुट लेना है, और वो जो सिंगल वायर होगा वो सिर्फ और सिर्फ फेज वायर होगा, गरम तार होगा, एक ही तार। तो जब भी सॉकेट इस तरह से रहेगा, मान लीजिए हम बाहर में बना रहे सॉकेट, ठीक है, ये इस तरह से जो सॉकेट रहता है इसके राइट साइड में क्या रहता है, राइट साइड में फेज रहता है, इसके राइट साइड में
फेज रहता है। क्या करते हैं हम लोग, यहां से एक तार हम लोग बाहर निकाल देते हैं, या कोई कोई क्या करते हैं एक थ्री पिन वाला प्लग खरीदते हैं और उसके राइट साइड में तार जोड़ देते हैं और सब दो जो ऊपर वाला और लेफ्ट साइड वाला ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं और लगा देते हैं। कहीं कहीं वो भी लगा रहता है, कहीं कहीं क्या होता है डायरेक्ट यहां से तार इस तरह से निकला हुआ रहता है। वो जो निकल रहा है तार, वो मेरा फेज वायर निकल रहा है। क्लियर है? तो यहां पर इस तरह से मेरा निकल रहा है। और यहां पे आगे आपका जो रहता होगा डिस्प्ले वगैरह सब चीज दिखता है, आप इन्वर्टर को ऑन कर लीजिए। तो मेरा इन्वर्टर ऑन रहेगा, बटन ऑन कर लिए, तो यहां से जो है मेरा आ रहा होगा क्या फेज। अब हमको मान लिए कहीं से कनेक्शन आ रहा है फेज और न्यूट्रल का, मान लिए फेज तो यहां से ये चले गया होगा, ठीक है, न्यूट्रल भी यहां से इसमें चले गया। अगर हमको यहां पे एक लैंप को जलाना है, ये लैंप इन्वर्टर से जलाना है, मेन से नहीं जलाना, इन्वर्टर से जलाना, इन्वर्टर के थ्रू जलाना है हमको, है ना। तो क्या करेंगे, यहां से जो आया, यहां से जो एक वायर हम लाए हैं, इसको कहां चले गए, लेकिन इस लैंप में, इस बल्ब में जोड़ दिए, ये मेरा एसी आने लगा, फेज आने लगा, हमको न्यूट्रल भी चाहिए। तो न्यूट्रल हम लोग इन्वर्टर से नहीं निकालते हैं, न्यूट्रल हमको बाहर से जो मेन लाइन, मेन जो तार जा रहा है वहां से न्यूट्रल ले लिए। मान लिया यहां से न्यूट्रल हम लोग इसमें जोड़ दिए, इस तरह से मेरा लैंप जलने लगा। अगर लाइट मेन लाइन नहीं आ रहा है, मेन लाइन नहीं आ रहा है, तो इन्वर्टर से जलेगा, ऑन रखेंगे इन्वर्टर हमेशा। अगर इन्वर्टर है, लाइन भी है, तो इधर बैटरी भी चार्ज होगा और इधर से मेरा लैंप भी जलते रहेगा। क्लियर है? इसी तरह अगर बोर्ड रहेगा तो बोर्ड में भी कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक लैंप से हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल से, बोर्ड का वायरिंग तो फिर सबको पता ही है ना, कि जिसम कनेक्ट, जिसमें हमको कनेक्ट करना है, मान लिया कि दो बल्ब है, फैन है, सॉकेट है, तो ये तार जो हम लाएंगे, मान लिया दो बल्ब में से एक बल्ब को हमको जलाना है इन्वर्टर से, तो दोनों सेपरेट कर देंगे, मान लिया दो स्विच है इस तरह से, है ना, एक दो बल्ब का यहां से है, तो मान लिया करे अगर हमको एक इन्वर्टर से जोड़ना है, इसको सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर से जोड़ देंगे, इसको मेन लाइन से जोड़ना है, इसको उधर मेन लाइन में भेज दिए, दोनों सेपरेट हो गया, लाइन कटेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि ये इससे जलेगा इन्वर्टर से और ये मेन लाइन हो गया। और अगर लाइन है तो कोई बात ही नहीं, ये भी जलेगा और ये भी जलेगा, इन्वर्टर ऑन रहेगा तो उधर चार्ज भी होगा, दोनों जलेगा। अगर लाइट कट गया तो मेन लाइन वाला खत्म, इन्वर्टर हमेशा चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक चीज और जानना है हम लोग को, जानना क्या है यहाँ पे, कि कहीं कहीं किसी के यहाँ आप बाईपास का बोले हैं, तो सबसे मेन जरूरी चीज है यहाँ पे हमको टू वे स्विच होना चाहिए। तो टू वे स्विच, अच्छा अभी हम लोग सिंपल जो स्विच देख रहे थे उसमें कितना टर्मिनल था, दो टर्मिनल। अगर हम लोग बात करें टू वे स्विच का, तो टू वे स्विच में होता है कितना टर्मिनल, तीन टर्मिनल होता है, टू वे स्विच में तीन टर्मिनल होता है। जब तीन टर्मिनल होता है तो तीनों टर्मिनल का यूज हो रहा होगा टू वे स्विच में, तो हमको बाईपास करना है, मतलब कि अगर हमको लाइन कट गया या कुछ हो गया तो हमको ऑन ऑफ करके, कितने घर में होता है टू वे स्विच लगा देते हैं, दिन में भी चार्ज नहीं, बिजली अभी नहीं जलाना है, मीटर हमको बचाना है, इन्वर्टर चार्ज है, इन्वर्टर से जला लो, तो क्या करते हैं इसको ऑन कर देते हैं, इन्वर्टर से आने लगता है, चाहते हैं नहीं अभी इन्वर्टर मेरा अचानक खराब हो गया तो आपका सब घर में गड़बड़ हो जाएगा, तो टू वे स्विच लगा हुआ रहेगा तब ना, तो क्या करते हैं टू वे स्विच को ऑफ कर देते हैं, मेन लाइन मेरा हमेशा चालू रहता है। इस टाइप का भी कनेक्शन करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं देखते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इन्वर्टर जो है मेरा, ये इन्वर्टर, यहां से एक तार आ रहा है, इन्वर्टर से एक तार आ रहा है, और अगर इधर का बात करें फेज और न्यूट्रल, मेन तार कहीं से आ रहा होगा, यहां पे है मेरा टू वे स्विच, ठीक है। एक लैंप से हमको देखना है करके बाईपास कैसे करते हैं, इन्वर्टर से सेपरेटली जलाना है सिर्फ इन्वर्टर, अगर हमको लाइन से जलाना है सिर्फ लाइन, ऑन ऑफ करना है कैसे, तो करते क्या है कि इन्वर्टर से जो आया मान लिया हम इसको सबसे पहले नीचे वाले में जोड़ दिए, ठीक है, जोड़ दिए नीचे वाले में।
अब इधर से फेज आ रहा है, इधर से फेज आ रहा है, तो क्या किया, फेज को भी हम लोग इसके ऊपर वाले में कनेक्ट, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है, फेज को नीचे इन्वर्टर को ऊपर भी कर सकते थे, ठीक है। इस तरह से हो गया कनेक्शन। अब हमको लैंप को जलाना है, लैंप को जलाना है तो क्या किया, ये बीच वाले टर्मिनल से हम कहां जोड़ दिए, इस लैंप में जोड़ दिए, लैंप बल्ब जो बोलिए इसको, ठीक है। लैंप में फेज चले गया, यहां से भी फेज, इन्वर्टर से भी फेज, इधर से भी फेज, और यहां भी बीच से भी ऑटोमेटिक कहां चले गया, इसमें फेज लैंप में चले गया। स्विच में हमेशा फेज वायर ही जोड़ते हैं, न्यूट्रल का कोई बात नहीं होता है। लैंप में हमको फेज न्यूट्रल दोनों चाहिए, तो दोनों चाहिए यहाँ पे, तो न्यूट्रल कैसे लाएंगे, तो न्यूट्रल यहाँ हम क्या बोले हैं, कहीं से नहीं, बस डायरेक्ट जो आता है न्यूट्रल वहीं से हम लोग ले आकर के लैंप में जोड़ दिए। अब आपका देखिए कनेक्शन हो गया। अब हम चाह रहे नहीं, इधर हम स्विच दबा दिए थे, इधर से लाइन आने लगेगा, इन्वर्टर का कनेक्शन खत्म हो गया। नहीं, हम चाह रहे इधर, अब नीचे दबा दिए तो उधर का कनेक्शन खत्म हो गया, इन्वर्टर से लाइन इसमें मेरा लैंप में जाने लगा। इस तरह से हम यहाँ पर बाईपास कर सकते हैं, दोनों अलग अलग से कर सकते हैं। अगर हमको इन्वर्टर से सिर्फ चलाना है, अगर सिर्फ हमको मेन लाइन से चलाना है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये टोटल मेरा वीडियो में ध्यान देने वाला एक बात यही रहा कि इन्वर्टर से हमेशा एसी आता है, इन्वर्टर से हमेशा हम सिंगल वायर ही निकालते हैं, ठीक है। और सिंगल वायर जो निकालेंगे वो राइट साइड से निकालेंगे, क्योंकि राइट साइड को ही हम लोग फेज मानते हैं, ठीक है। अब उसी को लेकर के अगर हमको बल्ब, दो बल्ब में कनेक्शन करना है, मेन तार, अब जो मेन फेज जिस तरह से वायरिंग करते थे हम लोग, वैसे ही समझना है कि इन्वर्टर से जो तार आ रहा है, जिस जिस में जोड़ते थे, वो ही मेरा मेन फेज वायर है, अभी उसको जोड़ देंगे। अगर चाहते नहीं हमको इस तरह से बाईपास करना है, तो टू वे स्विच लगा करके बाईपास कर सकते हैं। ये दोनों टाइप का कनेक्शन है, आप लोग घर में जिसके इन्वर्टर है वो घर में भी देख सकते हैं, आपके यहाँ भी इसी तरह से कनेक्शन होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, इस वीडियो में कोई चीज समझने में दिक्कत हो रहा हो, आप कमेंट कीजिए, बेझिझक कमेंट कीजिए, और प्लीज लाइक जरूर करें। क्वेश्चन पूछना हो कमेंट करके पूछे, बेझिझक पूछे, जो भी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन हो वो जरूर पूछे। और आपको जिस टाइप का फिर वीडियो चाहिए, जिस में दिक्कत हो रहा हो, जिस चैप्टर में दिक्कत हो रहा, जिस टॉपिक में दिक्कत हो, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आगे के वीडियो में उसे दूर करने का कोशिश करूंगा। साथ ही साथ बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि लाइव क्लासेस के लिए, तो लाइव क्लासेस भी चलेंगी, लेकिन अभी पता है लॉकडाउन के कारण क्या हो रहा है कि नेट जो है गवर्नमेंट की तरफ से ही स्लो किया गया है ना, तो नेट जो स्लो हो गया, जिसके कारण लाइव क्लासेस लेने में दिक्कत होगी। अगर लाइव क्लासेस बस वही दिक्कत होगा, तो फिर आप लोग बोलिएगा कि कैसा लाइव क्लासेस है, और चाह नहीं रहे कि हम फर्स्ट लाइव क्लास जो है इस तरह से गड़बड़ करें, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना के रखिए, लाइव क्लासेस भी होगी, थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए। फिलहाल अभी ये सब वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से प्यार देते रहिए, और जरूर सबको बताइए कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।